Let's talk about angle of friction, Gharshan Kon. When one body is in the contact with the surface of another in the state of limiting equilibrium, the angle which the resultant reaction makes with the common normal is called action of friction. It's mean, जैसे आप फिगर में देख रहे हो, ठीक है? कोई भी हमारी बॉडी है, जैसे हम ले लेते हैं, ये हमारी वही बॉडी, ठीक है? ये इस सरफेस पे रखी हुई है, हमारी ये सरफेस है, इस सरफेस पे हमारी बॉडी रखी हुई है, ठीक है? इधर को हम बल लगा रहे हैं, मतलब फोर्स इधर एक्टिव कर रहे हैं, तो एक ये जो फ्रिक्शन है हमारा अपोजिट साइड में वर्क कर रहा है, ठीक है? इधर से नीचे की ओर mg लग रहा है ना, mg कहने का मतलब जो ग्रेविटेशनल फोर्स है नीचे की ओर लग रहा है, और इसका इसके अपोजिट साइड में एक जो कहते हैं ना फ्रॉम न्यूटन्स थर्ड लॉ रिएक्शन फोर्स r वर्क कर रहा, ठीक है? तो इस ऐसे कंडीशन में एक तरफ ये फोर्स काम कर रहा है, एक तरफ ये रिएक्शन फोर्स, तो इसका जो रिजल्टेंट है ये हुआ इसका रिजल्टेंट, इसमें प्लस रिएक्शन फोर्स के बीच में जो हमारा एंगल बना, दिस एंगल विल बी कॉल्ड एंगल ऑफ फ्रिक्शन. ये क्या ये क्या ठीक है, तो ये हो गया हमारा एंगल ऑफ फ्रिक्शन. ये क्या बना, इसका हम इसको डेरिवेट कर लेते हैं. जैसे हमने अभी पी देखा था, पी वॉज रिजल्टेंट, एंड यू नो फ्रॉम पाइथागोरस थ्योरम हाइपोटेनस इज इक्वल टू अंडर रूट बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, ठीक है? तो यहाँ हमारा आर स्क्वायर इज परपेंडिकुलर एंड म्यू आर इज आवर बेस, हेयर इट्स स्क्वायर डिस्टेबल है, नाउ इट्स आर स्क्वायर प्लस म्यू आर स्क्वायर, ओके? फ्रॉम हेयर आर स्क्वायर विल बी कॉमन एंड हेयर इज वन प्लस म्यू एंड हेयर इज म्यू स्क्वायर, ओके? हेयर म्यू के बाहर आ जाएगा एंड इट विल बिकम आर एंड इनर साइड इट विल बिकम वन प्लस म्यू स्क्वायर एंड हेयर इट विल बी अंडर रूट. इट्स अवर पी, पी मीन्स रिजल्टेंट, दैट वॉज हेयर दिस वन रिजल्टेंट, ओके? देन आई थिंक यू ऑलरेडी नो tan lambda बराबर म्यू आर अपान आर, बिकॉज यू नो tan lambda इज बेस बाई परपेंडिकुलर, यू नो फ्रॉम हेयर इट्स बेस एंड इट्स परपेंडिकुलर, फ्रॉम हेयर वी विल फाइंड दैट दिस वन lambda इज इक्वल टू दिस lambda इज इक्वल टू 8 अपान 8 मीन्स बेस अपान परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ओके? हेयर इट्स परपेंडिकुलर मीन्स इट इज इक्वल टू इट मीन्स इट्स म्यू आर एंड इट्स आर, देन गॉट इट टैन, सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस, इट्स इक्वल टू टैन एंड इज इक्वल टू म्यू पान, फ्रॉम हेयर आर एंड आर इज कैंसिल आउट, वी गॉट इट टैन एंड इज इक्वल टू म्यू, from here lambda is equal to tan inverse mu and its angle of friction, it's also known as the tangent of angle of friction and it's called angle of friction, from here we can find the angle of friction. I think it's enough for today that now you understand what's angle of friction and we will meet soon on next term of physics and I understood what's angle of friction and we will meet again on next video. Yeah, yes sir. Okay. To get more update, subscribe our channel from FTPG Codes.